नमस्कार साथियों, पीसी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। उससे पहले हम देखते हैं थॉट ऑफ द डे है हमारा, वह हमारा महात्मा गांधी द्वारा बोला गया, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। उससे पहले हम शुरुआत करते हैं रिविजन की, जो हमने क्वेश्चन पहले देखे थे, किस देश के द्वारा डेक्सा मेथासोन को COVID-19 उपचार के रूप में मंजूरी दी गई है, तो वह जापान। प्रकाश चंद्र कांडपाल को किस गैर जीवन बीमा कंपनी का प्रबंधक निदेशक और एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है, तो वह है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र पहली बार वर्चुअल रूप में आयोजित किया जाएगा, तो वह 75वां। अगला क्वेश्चन जो है वह ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वह है साहिल सेठ। अगला है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया, तो वह सुमित देव को। किस अभिनेता द्वारा प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया गया, तो वह है सोनू सूद। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं आज के। तो आज का जो पहला प्रश्न हुआ है, गोधन न्याय योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। हमारे ऑप्शन जो हुआ है वह है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। का जो सही उत्तर है वह है हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़। चलिए इस योजना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वह है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल वहां के सीएम हैं और अनुसुईया उइके जो है वहां के राज्यपाल हैं। इस योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ सरकार है पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गाय की गोबर खरीद करेगी। यह योजना गाय के गोबर को फायदेनुमा वस्तु यानी जो खाद के रूप में बदलेगी। मतलब ऐसा नहीं खाद में बाकी और दूसरे जो उत्पाद होंगे उनमें भी यूज करेगी, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य गाय में राज्य में गाय पालन को आर्थिक रूप से लाभदायक बनाना और खुले में होने वाली चराई को रोकना है। साथ ही सड़कों पर और शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्याओं का समाधान करना है। वही महिला स्वसहायता समूह जो होंगे इससे वह कृमि खाद यानी वर्मी कंपोस्ट तैयार करेंगे, जिसके बाद किसानों को 8 रुपये किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा और जो गोबर होगा उसका अन्य उत्पादों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा विश्व व्यापार संगठन ने जनरल काउंसलिंग ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है, तो यह किसे दिया जाएगा, तो हमारा ऑप्शन जो है पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। इसका जो सही उत्तर है वह है तुर्कमेनिस्तान। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन एक जो है वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। साथ ही जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अप्रैल 1924 है, ये गलत हो गया थोड़ा, मैं 123 देशों द्वारा हस्ताक्षर मराकेश समझौते द्वारा बनाए गए गेट के स्थान पर अब यह जगह लेगा। यानी कि पहले जो गेट चल था उसके जगह पर कौन बना है, तो WTO। WTO के सचिव और महानिदेशक का जो कार्यालय है वह है जेनेवा में। इसके निर्देशक हैं वो है रोबर्टो एजेवेडो, ठीक है। और जो तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ये वह हैं गुरबानगुले बर्दी मुचा मेदो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वह है कौशल विकास के क्षेत्र में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारा ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पंजाब। अब चलिए जो हस्ताक्षर क्या करें इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो IIT जो संस्थान है
वह राज्य सरकार को आईटीआई जो होते हैं उनको और पॉलिटेक्निकल कॉलेज होंगे उनका मॉडल विकसित करने में मदद करेगा। साथ ही जो आईआईटी रोपड़ है यह सिंचाई में पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए छोटे उपकरण जो होंगे उनको निर्माण में राज्य सरकार की मदद करेगा। चलिए अब जान लेते हैं पंजाब के प्रशासनिक अधिकारी के बारे में। तो पंजाब के जो राज्यपाल हैं वह हैं वीपी सिंह बदनौर। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। साथ ही आईआईटी रोपड़ के जो निर्देशक हैं वह हैं एसके दास। अगला क्वेश्चन जो हुआ है 93वें फर्स्ट मंगल के लिए लॉन्च किया गया यह पहला स्वतंत्र मिशन है। पहला स्वतंत्र मिशन है यह किस देश ने लॉन्च किया है, मतलब ये इंडिविजुअल खुद का ही किया हुआ है। हमारे ऑप्शन है रूस, चीन, अमेरिका और ताइवान। तो इसका सही उत्तर जो है चीन, जो हमारा पड़ोसी देश है। अब इसके जो बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो 93वें फर्स्ट है अर्थात इसका जो मतलब है वह है इंग्लिश में क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चंस टू हेवन और हिंदी में इसे बोलेंगे तो स्वर्ग से सवाल। यह 7 महीने का सफर कर मंगल की कक्षा में पहुंचेगा। इसके साथ में एक संयुक्त ऑर्बिटर जो मंगल की कक्षा में रहकर उसके आसपास चक्कर लगाएगा और जो उतरेगा वहां पर लैंडर और रोवर रहेगा इसमें। इसका उद्देश्य जो है मंगल के वातावरण में जीवन के संकेत ढूंढना है। अब चीन के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं वह शी जिनपिंग और चीन की राजधानी वह है बीजिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है। ऑप्शन है हमारे भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक। इसका जो सही उत्तर है वह है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी हासिल कर लेते हैं। तो देखिए जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यह पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता होगा। मतलब इसके लिए आपको बैंक जाकर वहां पर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे आधार आधारित ओटीपी का उपयोग किया जाएगा जिसे बैंक की वेबसाइट से आप उसे अकाउंट खोल सकते हैं। अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर लैपटॉप का उपयोग कर पीसी के माध्यम से ऑनलाइन भर सकते हैं। प्रक्रिया होते ही आपका खाता तुरंत चालू हो जाएगा जिसके बाद जो ग्राहक है वह अपने मोबाइल एम पिन माध्यम से भी लेनदेन शुरू कर सकता है। साथ ही मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और डेबिट कार्ड जैसे डिजिटल चैनलों का भी विस्तृत श्रृंखला सदस्य को दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो यह जो बैंक का मुख्यालय है वह है बड़ोदरा गुजरात में। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी 25 जुलाई 1908 वडोदरा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा लद्दाख के किस शहर में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की गई है। ऑप्शन है लद्दाख, कारगिल, लेह और डोडा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लेह। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए कोविड-19 जो है परीक्षण सुविधा का उपयोग लोगों को वह कोविड परीक्षण का परीक्षण देने के लिए यानी परीक्षण जो होगा उसका प्रशिक्षण देने के लिए भी किया जाएगा। भविष्य के जैव खतरों से निपटने व कृषि पशुओं की बीमारियों के लिए जो यहाँ पर रिसर्च होगी उसकी गतिविधियों को भी पूरा किया जाएगा। आरडीआई में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आरएनडी दिया हुआ है वह है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे देखिए आरएनडी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च बिहार जो है वह डीआरडीओ की एक जीव विज्ञान प्रयोगशाला है जो ठंडे शुष्क कृषि पशु प्रौद्योगिकी पर काम करता है। इसके अलावा यह प्रयोगशाला जो है वह औषधि और सुगंधित पौधों की जांच और
और पहचान कर रही है ताकि इनका उपयोग रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जा सके। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष वह जी सतीश रेड्डी और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं वह आर के माथुर। अब अगला क्वेश्चन जो है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्देशक नियुक्त किया है? तो ऑप्शन देखिए, आलोक मिश्रा, रजनीश कुमार, गौरव कुमार और गंगा सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए वाला, आलोक मिश्रा। देखिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क जो है उनकी स्थापना 2009 में की गई थी। यह सूक्ष्म वित्त सेक्टर का एक संघ है। इसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं। इसमें सदस्य सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों से बोर्ड मेंबर चुने जाते हैं और 33% बोर्ड मेंबर स्वतंत्र सदस्य होते हैं। वर्तमान में 56 जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान सूक्ष्म वित्त संस्थान इसके सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन जो हुआ है, भारत में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसके द्वारा किया गया? भारत में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसके द्वारा शुरू किया गया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और प्रकाश जावड़ेकर। इसका जो सही उत्तर है वह है हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। ये है हमारे रक्षा मंत्री और यह है हमारे पर्यावरण मंत्री। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, यह जो चलाया गया अभियान, यह है कोयला मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। इस योजना के तहत खानों, जो कोयले के खाने होते हैं वहां पर, और जो कोयला मंत्रालय के जो कार्यालय आते हैं वहां पर जो कर्मचारी रहते हैं कॉलोनियों में, और लिग्नाइट और कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य स्थायी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। अन्य साथ में देखा जाए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो वृक्षारोपण के तहत 1626 हेक्टेयर को कवर किया जाएगा। 70 हेक्टेयर में घास भूमि का निर्माण करना है, 90 हेक्टेयर में उच्च तकनीक युक्त खेती करना है और 3 हेक्टेयर में बांस के पौधे तैयार करना है। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक ही, और आपको वीडियो कैसा लगता है इसकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। इसका PDF आज दिन के 12 बजे तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।